और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गाड़ी से कम 100 मीटर दूरी पे, और देखिए है मेरी आयरन विकेट थी, इसका परफॉर्मेंस देखिए आप, पूरी इसने रोड देखिए आप पूरी कवर कर ली है कुछ। हेलो एंड वेलकम बैक ऑल माय व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स। सो काफी दिनों से मैंने कोई वीडियो लोड नहीं किया था, तो सोचा चलो कुछ नया वीडियो बनाया जाए और कुछ नया एक्सपीरियंस लोड किया जाए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरी आयरन को मैं थोड़ा सा नया लुक दूं, थोड़ा सा उसको लोड करूं, तो मैंने कुछ नया किया है। और ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ था मेरे रिसेंट राइड पे, एक महीने पहले हम लोग पुनासा गए थे विच इज अराउंड 130 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर। तो रात को लौटते वक्त उसकी रोशनी जो थी हेडलाइट की, वो मुझे बहुत इनसफिशियंट लगी, ऐसा लगा मानो अंधेरे में ही गाड़ी चला रहे। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू अपग्रेड माय लाइट्स, और मुझे कुछ और भी चीजें लगानी थी, जैसे बैकरेस्ट लगाना था अलॉन्ग विद लगेज रैक, तो ताकि मैं लॉन्ग राइड्स पे उसको यूज कर सकूं। और ऑफ कोर्स आई वाज मिसिंग इंजन क्रैश गार्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर हेलमेट एंड क्रैश गार्ड इज अ वेरी इसेंशियल आइटम फॉर योर बाइक व्हाइल यू राइडिंग द बाइक, बिकॉज ये आपको एक्सीडेंट से बचाता है, डैमेज से बचाता है। खैर ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने क्या लाइट्स लगवाई हैं और उनका रिव्यू। ऑफ कोर्स अगर आप लोग किसी फॉग लाइट को लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो पे और चालू करते हैं हम। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज रिव्यू करेंगे फॉग लाइट्स का। अगर आप फॉग लाइट्स लगाने की सोच रहे हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि कौन सी फॉग लाइट्स लगाए, कौन सी लाइट्स सफिशियंट है। मैं थोड़ा सा आपको लीगलिटीज की भी जानकारी दूंगा कि क्या लीगल है, रोड लीगल क्या है क्या नहीं है, बिकॉज आई एम एन एडवोकेट। तो थोड़ा सा मैं इसके साथ मेरा लीगल नॉलेज भी आप लोगों से शेयर करूंगा, तो मेरे साथ बने रहे इस वीडियो पे। मैं आपको अनबॉक्सिंग नहीं दिखा सकता बिकॉज मैंने सोचा था अनबॉक्सिंग वीडियो करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड था कि मैं कर नहीं पाया। तो मैंने गाड़ी सीधे सर्विस सेंटर पे डाल दी थी लाइट्स लगवाने के लिए, तो मैं आपको सीधे लाइट्स का रिव्यू और फीडबैक दूंगा। मैं उससे कम से कम 5-7 राइड पे यूज कर चुका हूं, सो नाउ आई हैव अ फीडबैक विद मी कि मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी रोशनी कैसी है और कितनी सफिशियंट है, कितनी ज्यादा है, कितनी लंबी उसकी बीम है। तो मैंने अपनी गाड़ी में लगाई है HJG की फॉग लाइट्स। यस आई विल रिपीट माय वर्ड्स, HJG इज अ वेरी, इट्स बेसिकली अ चाइनीज ब्रांड, बट बहुत अच्छी लाइट्स हैं। तो मैंने एक नहीं दो, जी हाँ दो, मैंने दो फॉग लाइट्स अपग्रेड की है। एक मैंने किया है HJG का L6X3 6 LED 60 watt फॉग लाइट्स, और एक यूज किया है मैंने HJG का, द मोस्ट फेमस इज मिनी ड्राइव, वो यूज किया है। दोनों का पर्पज अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों की यूटिलिटी बताऊंगा, दोनों की मैं रेंज बताऊंगा, दोनों का मैं कवरेज बताऊंगा, दोनों की डेप्थ और बीम दोनों बताऊंगा मैं। और दोनों में ड्यूअल ऑप्शन है, दोनों में येलो और व्हाइट दोनों ऑप्शन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें फॉग लाइट का मतलब ही होता है कि हम फॉग में यूज कर सके, मतलब जहां पर डेंस रोशनी की कमी हो या ज्यादा फॉगी एरिया में आप हिल में ज्यादा राइड करते हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो क्या उसका कितने की पड़ी मुझे ये आपको बताऊंगा मैं, और उसके साथ मैंने ओरिजिनल HJG का ही फॉग लाइट का वायरिंग हार्नेस किट भी लिया है, बिकॉज हार्नेस का ओरिजिनल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी लोकल आफ्टर मार्केट हार्नेस लगा लेंगे तो उसका रिले का क्वालिटी क्या है, क्योंकि पूरा वायर का लूम होता है, वो आपकी बैटरी से कनेक्ट होता है, क्योंकि आपकी जो लाइट्स होती है वो हेवी वोल्टेज की होती है और उसके कारण आपकी बैटरी पे लोड आ सकता है, कई बार ट्रिप हो जाता है, कई बार आप गाड़ी को रेव करते हैं तो एकदम से जो अल्टरनेटर होता है मैग्नेट अल्टरनेटर वो ज्यादा करंट फ्लो कर देता है, तो उसके कारण भी कई बार प्रॉब्लम होती है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग रिले यूज करते हैं। तो इसके साथ मैंने जो HJG का ओरिजिनल हार्नेस वायरिंग हार्नेस किट लगाया है उसमें HJG का ही रिले किट भी है, विच इज वेरी गुड एंड बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम लोग चलेंगे सीधे रिव्यू देखते हैं गाड़ी का, मजा तभी आएगा, मैं आपको शायद तब आप बता पाऊं कि मैं जस्टिफाई कर पाऊं कि वो कितनी अच्छी लाइट्स है। तो आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो पे और जरूर देखिए उसकी फोकस एंड डेप्थ। हम लोग किसी डार्क एरिया में चलेंगे, चालू करें, उसके पहले थोड़ा आपको मैं गाड़ी के बारे में, ये है मेरी आयरन 83 ब्लैक ब्यूटी, और इसमें मैंने ये आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर मैंने एक बैकरेस्ट लगवाया है, ऑफकोर्स आफ्टर मार्केट बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है, मैंने लेग गार्ड लगाया है। और मैं साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट बता देता हूँ कि मैंने फॉग लाइट्स की प्लेसमेंट कहाँ रखी है और क्यों रखी है।
तो मैंने जो HG का मिनी ड्राइव है उसको रखा है मैंने इंजन क्रैश गार्ड के ऊपर, और ऐसी पोजीशन पर रखा है जहाँ से आंखों में नहीं आए। देन मैंने जो L6X6 जो Cree 6 LED हेडलाइट्स है उसको रखा है मैंने हेडलाइट के नीचे। सो द पर्पज इज, मैं आपको उसकी लीगैलिटी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा किया है। चूंकि मेरी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा रोशनी, हम लोग इंदौर में हैं और इंदौर सफाई में नंबर वन है, देश की नंबर वन सिटी है, तो ये हमारे यहाँ आपको शायद कचरा और रोशनी, रोशनी बहुत मिलेगी और कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये मैंने किया है, ये देख सकते हैं आप, इसका प्लेसमेंट मैंने हेडलाइट के नीचे किया है। उसका भी लीगल टेक्निकल रीज़न है, वो भी आपको बताऊंगा क्यों। और ये मैंने एक डबल स्विच लगाया है, बेसिकली आपकी मिनी ड्राइव के लिए, क्योंकि इसमें येलो और ब्लू दोनों ऑप्शन है, येलो और वाइट दोनों ऑप्शन है। और ये लगाया है मैंने L6X के लिए, जिसमें कि इसमें कवर है और ये कवर हट जाएंगे तो ये वाइट लाइट हो जाएगी। ये मैं आपको दिखा दूंगा, और जब ये लगे रहेंगे तो वो फॉग के लिए येलो काम करेगी। उसका प्लेसमेंट ऐसा है और आप देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। चलिए हम चेक करते हैं। लोगों को बताया है कि मेरी कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही उजाला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पिच ब्लैक स्पॉट्स तो मिले नहीं, हालांकि मुझे एक छोटा सा एक पैच मिला है। सामने दीवार भी है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वॉल पर रोशनी कैसी जा रही है और उसका फोकस क्या है। तो बिना देरी किए मैं आपको सबसे पहले गाड़ी का स्विच ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी ये आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ी ऑडियो में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा का दिन है, हिंदू भारतीय नववर्ष है, तो थोड़े आपको काफ़ी जगहों पर जो है वो भजन और कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं। तो हम लोग आते हैं मेन वीडियो पे, और देखिए मेरे यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह मिली, मैं वहीं पे कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीचे की लाइट, हमारी जो मिनी ड्राइव है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके बाद हम ऊपर आएंगे। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप इसकी इसकी रोशनी देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ मिनी ड्राइव चालू है अभी, लेकिन इसने पूरा डे कर दिया। मैंने इसका फोकस बहुत नज़दीक रखा है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नज़दीक रखा है ताकि आंखों पे ना पड़े। और इसकी वाइट लाइट का परफॉर्मेंस भी आप देखिए, ये है इसकी वाइट लाइट, आप देखिए कि ये सिर्फ मिनी ड्राइव चालू किया है मैंने, और इट्स लाइक, मैं आपको क्या बताऊँ, इट्स मैजिकल। और अभी सिर्फ मैंने एक सेट ऑन किया है, तो वाइट लाइट मैंने उसको रखा है दूर की बीम के लिए, वेयर एज मैंने येलो रखा है, उसको फोकस किया रोड पे, ताकि जब मैं येलो यूज करूँ तो किसी की आंखों पे रोशनी ना पड़े और एक्सीडेंट के चांसेस मेरे भी कम रहे और उसको भी कम रहे, और मुझे जो रास्ता खराब है वो आसानी से दिख सके। तो खाली अभी हमने यही चालू किया है, और आप ये देख सकते हैं हाई बीम लो बीम गाड़ी की। मैं फिर से बंद करके दिखाता हूँ आपको कि मेरी गाड़ी की लाइट का परफॉर्मेंस क्या है। ये देखिए गाड़ी का जो है ये हेडलाइट है, और ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम और ये लो बीम। और अब मैं गाड़ी की हेडलाइट को फिर से, हेडलाइट के साथ अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ येलो लाइट, नाउ सी द कॉम्बिनेशन, और इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको व्हाइट लाइट का, सी द डिफरेंस। पूरी इसने रोड देखिए आप, पूरी कवर कर ली है, कुछ नहीं छोड़ा है। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बैटरी पे इसलिए कम लोड आ रहा है, क्योंकि इसमें HJG का ही जो है वो ओरिजिनल हार्नेस किट लगा हुआ है, इसके कारण आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोड आएगा इसके ऊपर। ये मेरी जो स्टॉक आपकी हेडलाइट है, या लो बीम हाई बीम लो बीम, मैं इसको वापस ऑफ करता हूँ, और अब आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर के लाइट का परफॉर्मेंस, मतलब जो मैंने हेडलाइट के नीचे लगाई है उसका परफॉर्मेंस। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरे हेडलाइट के नीचे लगाया उस लाइट का परफॉर्मेंस क्या है। ये देखिए आप, ये है L6X6 Cree LED हेडलाइट्स, और इसका परफॉर्मेंस देखिए आप, और इसने तो बिल्कुल व्यू ही चेंज कर दिया। और अगर मैं इसके साथ येलो जला देता हूँ तो आप नाउ सी द डिफरेंस, पूरी रोड इसने कवर कर ली है, और आप देखिए कितना ज़बरदस्त का परफॉर्मेंस आ रहा है। मैं बैटरी ज़्यादा इस पर लगाऊंगा नहीं, क्योंकि चूंकि हाई वोल्टेज है, 60 वॉट ये है और 20 वॉट वो है, मतलब 30-30 ईच जो है वो 6 ही है और 20-20 ईच वो है, तो बेसिकली काफ़ी ये बैटरी कंज्यूम करेगी।
अब मैं आपको इसी के साथ दिखाऊंगा कि जब व्हाइट लाइट जलती तो कैसा दिखता है। अब हम देखेंगे कि व्हाइट लाइट का परफॉर्मेंस कैसा आता है, और उसके साथ फ्लैशर भी है वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए व्हाइट लाइट, और अगर इसके साथ में मिनी ड्राइव को भी ऑन करता हूँ व्हाइट, नाउ सी इसने पूरा दिन कर दिया है। मुझे नहीं लगता इतनी जबरदस्त हेडलाइट किसी भी गाड़ी की होती होगी। अब देखिए पूरा कवरेज देखिए आप, ये जस्ट मेरे टायर के, ये देखिए मेरे टायर और फ्रंट, ये मेरा देखिए फ्रंट व्हील, और यहाँ से आप आगे देखिए तो पूरा इसने उजाला कर दिया है। और बीम देखिए आप कितने दूर तक जा रही है। और इसका दूसरा मोड है, ये देखिए आप एक फ्लैशर है इसमें, मैं नीचे की मिनी ड्राइव बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और एक फ्लैशर का मोड और है अल्टरनेट, ये अल्टरनेट मोड है। और आपको अब सामने से इसका लुक दिखाता हूँ कि सामने से इसका लुक कैसा आता है, ताकि आपको वो डिफरेंस भी पता चले। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही तेज लाइट है। मैं कम से कम गाड़ी से 100 फीट दूरी पर खड़ा हूँ, और आप देख सकते हैं मतलब गाड़ी बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ही है। ये देखो मतलब गाड़ी बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा लाइट है ये। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गाड़ी से कम 100 मीटर दूरी पर हूँ। देखिए अब आपको दिखेगा नहीं कि गाड़ी कहाँ है, सिर्फ दूर से एक रोशनी का पूरा एक तेज पुंज दिखेगा, प्रकाश पुंज। और मेरी आंखें चौंधिया रही है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाऊंगा वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है। और इसने पूरा जो है वो चेंज कर दिया है डायमेंशन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी आप कि यहाँ पर भी क्या रोशनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इस लाइट का फोकस है। और अभी ये जिस वक्त डार्क होगा उस वक्त ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। देखिए बंद करते से पूरा देखिए अब आप गाड़ी देख पा रहे हैं, अदरवाइज आपको गाड़ी दिख ही नहीं रही थी। तो ये डिफरेंस है गाइस, मैं यही बताना चाह रहा था कि आप गाड़ी में किस तरह के आप ड्राइविंग प्रिफर करते हैं, किस तरह की आपकी ड्राइविंग हैबिट है, उसी के हिसाब से आपको गाड़ी में लाइट डालना चाहिए। मैं इसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको बस एक सही जगह से लेनी होगी लाइट, क्योंकि कई फेक कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं और मार्केट राइट से ज़्यादा पे लाइट्स दे रही हैं। और मुझे ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ है, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले सकता जिनसे मैंने ली है, बिकॉज आई फेल्ट चीटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे उन्होंने ज़्यादा कीमत ली है, क्योंकि बाज़ार में वो लाइट उसे सस्ते मिल रही थी। तो अगर आप बाज़ार में ढूंढेंगे लाइट आपको आसानी से मिल जाएगी। याद रखिएगा HJG की लाइट है ओरिजिनल ये, तो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके लीगैलिटी के बारे में बात करना चाहूँगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ी लीगैलिटी समझाता हूँ इसकी। गाइज मैं आपसे बात कर रहा था लीगैलिटीज के बारे में कि क्या लीगैलिटीज हैं, और आई बीइंग एन एडवोकेट इट इज़ माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि मैं आपको बताऊँ। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नाइट ड्राइव करते हैं, या आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, या आप हिल्स पे चलते हैं, तो क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉग लाइट्स क्या हैं, और उनको लेके RTO के मोटर व्हीकल एक्ट में क्या रूल्स और रेगुलेशन से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, फॉग लाइट। फॉग लाइट का मतलब होता है द लाइट विच कैन बी यूज इन 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 फॉगी एरियाज, हिली एरियाज, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग हो वहाँ पे हम लाइट्स यूज करते हैं। तो फॉग लाइट्स बेसिकली फॉग में यूज होती हैं, येलो कलर की लाइट। तो इसेंशियली जो आपकी फॉग लाइट्स होती हैं वो येलो कलर में होनी चाहिए, या येलो टिंट में होनी चाहिए, या ऑफ वाइट होनी चाहिए, क्रीमिश होनी चाहिए, येलोइश होनी चाहिए, बट इट कैन नॉट बी वाइट, दैट टू एकदम ब्राइट वाइट या एकदम शार्प वाइट जैसे हमारी बीम्स वाली लाइट होती है, वैसी अलाउड नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि फॉग लाइट्स। सेकेंड, इनका प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट से पहले एक चीज और बता देता हूँ, प्लेसमेंट, हम पहले प्लेसमेंट पे ही आ जाते हैं। प्लेसमेंट ऐसा है कि आपकी जो फॉग लाइट है उसका प्लेसमेंट हमेशा आपके हेडलाइट के नीचे होना चाहिए। इट कैन नेवर बी ऑन द टॉप, यहाँ पर आप हैंडल बार्स के ऊपर या राइजर्स के ऊपर या यहाँ पर आप कभी भी फॉग लाइट नहीं लगाएं, आपके चालान के 100% चांसेस है, क्योंकि फॉग लाइट हमेशा हेडलाइट के नीचे लगती है, हेडलाइट के ऊपर कभी नहीं लगेंगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, उसकी सेटिंग आपको ऐसी रखनी है कि सामने वाले की आंखों में नहीं आए, वो कितनी भी ब्राइट हो वो उसको जमीन पर रखें आप, ताकि आप देख सकें और आपको रास्ता आसान दिखे, बजाय किसी और की आंखें चौंधियाने की, नहीं तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी और आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि सामने वाले को जब नहीं दिखेगा तो बिल्कुल देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि वो आपको आके हिट कर दे बचने के चक्कर में शायद। पॉइंट नंबर 3 विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी फॉग लाइट के वॉट कितने होने चाहिए।
आपकी हेडलाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी कार्टियो का रूल है। यदि आपकी हेडलाइट से फॉर एग्जांपल 50 वॉट्स की है, 60 वॉट्स की है, तो आपकी फॉग लाइट्स कैन नॉट बी मोर देन 60 वॉट्स, इट हैज टू बी बिलो 60 वॉट्स। इफ इट इज मोर देन 60 वॉट्स देन अगेन यू विल बी फाइन और आप चालान के पात्र होंगे और आपका चालान बिल्कुल बन सकता है। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, तो आप चूंकि मैंने तो हालांकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ज़्यादा है वॉट, बट मैं एक समय में एक ही चलाऊंगा, तो डेफिनेटली जब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा होगा जहाँ रिमोट एरिया होगा या बिल्कुल जंगल से गुजरूंगा शायद तब पूरी लाइट यूज़ करूँ, अदरवाइज मैं दोनों में से एक कोई भी लाइट यूज़ करूँगा, सो दैट विल बी रिमेन बिलो माई हेडलाइट्स वॉटेज। मेरी हेडलाइट से अगर ये भी यूज़ करता हूँ तो उससे कम रहेगी, और अगर नीचे की यूज़ करता हूँ तो वो तो इट्स ओनली 20 वॉट्स। तो दोनों में से जो भी यूज़ करूंगा उसके लिए, इसीलिए मैंने इसका फोकस जो है वो नीचे ज़मीन पर रखा। आपको बताया था मैंने कि इसका फोकस मैंने नीचे क्यों रखा है, वही रीज़न था कि जब मैं येलो चालू करूंगा तो किसी की आंखों पर न जाए, और इसका फोकस भी नीचे। हालांकि ये इतनी छोटी है लेकिन इतनी पावरफुल लाइट से है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आपने देख ही लिया इसका परफॉर्मेंस। तो चार चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली, आपकी लाइट फॉग लाइट्स येलो कलर की होना चाहिए, शुड नॉट बी वाइट लाइट। सेकेंड, इसका प्लेसमेंट शुड बी बिलो हेडलाइट, यह हेडलाइट के ऊपर नहीं होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी वॉटेज जो हेड फॉग लाइट की है वो आपके हेडलाइट के वॉटेज से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो भी वॉट है उससे कम का वॉट इसका होना चाहिए, इट कैन नॉट बी मोर देन दैट। तो बेसिकली ये तीन चार चीज़ें आप ध्यान रखें, उनका प्लेसमेंट ऑफकोर्स इट सेंसिबल लॉजिक सी बात है कि ये प्लेसमेंट ऐसा नहीं हो कि किसी की आंखें चौंधिया जाए, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि आप उसका प्लेसमेंट ऐसा रखें कि आपको तो रोड पूरा दिखे पर सामने वाले को भी डिस्कम्फर्ट ना हो। तो यही सारी चीज़ें थी, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, लोगों में भी अवेयरनेस जागे कि जितने बाइकर्स हैं जितने राइडर्स हैं दे विल ऑल्सो गेट टू नो कि आरटीओ के नॉर्म्स क्या हैं फॉग लाइट को लेके, आपको किस तरह की लाइट्स कहाँ पे प्लेस करनी चाहिए, वॉटेज कितना होना चाहिए, उनका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। और ऑफ कोर्स आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपको HJG की दोनों लाइट्स मिनी ड्राइव और L6X Cree 6 LED हेडलाइट्स का मैंने जो आपको रिव्यू परफॉर्मेंस बताया, आई होप आपके लिए यूजफुल होगा और आपके काम आएगा। एक बार फिर से, यदि आपको ये वीडियो और इसके कॉन्टेंट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड विल मीट अगेन।